तो मियाँ आज वो दिन आ चुका है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो किसका, वायलेंस 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 वायलेंस, आई डोंट लाइक इट। तो भैया जी बात ये है कि मूवी है वर्ल्ड वाइड, यानी कि साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया और इंडिया के बाहर तक, लेकिन हम बाहर नहीं जाएंगे, हम यहाँ से बस कोटद्वार तक जाएंगे। और फिर तो पता ही है तुम्हें। बट वायलेंस लाइक्स मी। बाकी हॉल के टिकट हमेशा पांडे जी करवाते हैं, तो पांडे जी से मिलाते हैं आपको। तो जी मिलिए हमारे मित्र पांडा से। चलो देर हो रही, फिलहाल तो हमें बहुत देर हो गई। त्रिशूल वाला पेड़ भी है, भोले शंकर की याद दिलाते हैं जो हमको, और ये हमको पांडा की याद दिलाते हैं। ओम फोम रॉकी भाई। तो भैया जी इस वीडियो में हम स्पॉइलर का काम तो नहीं करेंगे, पर कुछ कुछ चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी, है ना, कि रवीना टंडन इतनी खतरनाक क्यों थी। शायद उस टाइम की इंदिरा गांधी थी, उसी टाइम की प्रधानमंत्री थी वो, और उसने बहुत खतरनाक किया भैया लास्ट में, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक। There will be no more tolerance. मेरे पास भी हथियार है, घुस के मारेंगे। तो भैया जी अगर आपका देखने का मन है तो आप देख सकते हैं। वैसे तो इसमें कुछ स्पॉइलर है नहीं, बस कुछ कुछ सीन है, तो इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो जो देखना चाहते हो वो देख सकते हैं। He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. बाकी ये जो मूवी है वो फुल पैसा वसूल वाली चीज़ें हैं, हालांकि हॉल बहुत महंगा था हमारे लिए, हम जैसे गरीबों के लिए, लेकिन पैसा वसूल वाली मूवी है ये। तो आप में से बहुत लोगों ने वाइकिंग मूवी देखो सीरीज देख रखी होगी, तो उसी से रिलेटेड जैसे रैगनार लॉडब्रोक था, तो वैसे अभी हमारे संजू भाई बन रहे हैं, तो संजय दत्त का रोल यहाँ पे A1 आ रखा है, उसने खतरनाक ही मतलब रोल प्ले कर रखा है। और इसमें बताया कि वो पिछले पार्ट वन में तो मर जाता है, जिसमें गाड़ी ब्लास्ट करवाता है, वो पार्ट वन में गरुड़ा क्या करता है कि गाड़ी ब्लास्ट करवा देता है उसकी, अधीरा की यानी कि संजय दत्त की, लेकिन इसमें वो जिंदा है, तो बताएंगे कि कैसा जिंदा है वो। मैं नहीं, वो आप देख लेना बाद में जाके, अभी तो बहुत दिन पड़ेगा सिर्फ। तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं, तरक्की होती है, उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती, चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। और जो इस मूवी में आप रॉकी भाई का बहुत बड़ा साम्राज्य देख रहे हो, वो असल में एक रियल स्टोरी है, और कोई रावड़ी थंगम नाम से एक आदमी हुआ करता था, जिस जो पहले वहाँ का लोकल था, जैसे चोरी टपारी टपोरी करते हैं आजकल के लोग, और धीमे धीमे वो बड़ा बड़ा होता गया, और उसने KGF पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कुछ ऐसा ही हुआ था, और उस समय क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने उसको शूट आउट करने का ऑर्डर दे दिया, यानी कि जो अभी रवीना टंडन जी है, तो उन्होंने शूट आउट करने का ऑर्डर दिया था। तो आप देखेंगे फिल्म देखेंगे जब आप जाकर ले आना। और अभी ना यहाँ पर एक MMG टाइप की राइफल आने वाली है, तो उसका नाम भूल गया मैं, क्या बोल रहे थे वो हॉल में, लेकिन उसको बड़ी माँ करके बोल रहे थे। तो राइफल में आपने ट्रेलर देखा होगा, कौन सा, ये वाला। पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। इसमें लास्ट सीन आता है कि जिसमें इंदिरा गांधी भेज देती है रॉकी भाई को मारने के लिए इंडियन आर्मी को, तो वो हमने कैप्चर नहीं किया आपकी सुविधा के लिए,
तो पिक्चर हो गई खत्म, अब हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। तो भैया मूवी देखने के बाद अब भूख लग चुकी है, तो अब चलते हैं खाने को। हाँ मियाँ, फिल्म कैसी लगी तुम्हें? बहुत बढ़िया लगी जहर जहर। तो मियाँ हम मूवी देखने के बाद आ रखे कुछ खाने के लिए कंट्री साइड कैफे में। बाहर से तो बहुत सुंदर सुंदर लग रहा है, तो अंदर जाके देखते हैं, पर इससे सुंदर नहीं है वो फिलहाल। हैं? ना ना, मैं नहीं खाता आज। ओम फो, जगह तो भैया सॉलिड है, ये पेड़ों के बीच में, और यहाँ पर आम भी हो रहे शायद। हेलो पांडो, फुल्ली फुल्ली तीन ग्रास पी चुके हैं अभी हम, कोई दिक्कत नहीं है, पिए जा रही है। देखो इसने कितना खाया, पांडा को देखो। तो पांडे का खाना बताते अभी हम। दो इसने खाई हुई है और दो हम दो बंदों ने मिलके एक खाया हुआ है। आधी प्लेटें चली भी गई। और ये देखो, ये देखो पूरा चाटा हुआ है जीप से, ये छोड़ दिया इसने गलती से। अब बाय बाय करने का टाइम हो गया हमारा। हाँ बेटा, दादा टायर डलाणू मामा। देखो दादाजी टायर डलवा रहे। ओ भाई, ओ भाई।